हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर, या आप बायोलॉजी टीचर भी कह सकते हैं, कनी शर्मा। बच्चों, ये लेक्चर हमारा थर्ड है, ठीक है। और आप अच्छे से जानते हो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है। हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है, ठीक है। नाम क्या हमारे चैप्टर का? मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स हैं उनके हम बाहरी फीचर्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने रूट्स को पढ़ा, सेकंड में हमने स्टेम्स को पढ़ा, अब ये थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? लीफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लीफ, अब बच्चों आप अच्छे से जानते हो, जो कोई भी प्लांट हो उसका जो मैंने आपको बताया था, वैसे सीड के तीन हिस्से होते हैं। अब नहीं बताऊंगा, प्लम्यूल, रेडिकल एंड कोटिलीडेंस, ठीक है। रेडिकल रूट बनाती है, प्लम्यूल स्टेम बनाता है, जो बीच में था ना कोटिलीडेंस, वो शुरुआती लीव्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में वो झड़ जाते हैं। नए लीव्स आपको पता है कहाँ बनते हैं? स्टेम के नोड पर। आपसे कोई पूछे कि भाई लीव्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो आप कहोगे कि जो स्टेम का नोड होता है वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, इंटरनोड पे कभी भी प्रोड्यूस नहीं होते लीव्स, ठीक है। तो स्टेम के नोड पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लीव्स के बारे में। आपने देखा होगा कि जो लीव है वो कुछ ऐसे, अगर ये नोड है तो इस नोड पे ही ओरिजिनेट होता है, ठीक है। नोड पे ही ओरिजिनेट होता है। यहाँ पे ये जो है इसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। आप अच्छे से जानते हो लीफ के एक्सिल में जो बड होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। यहाँ पे ब्रांच बननी चाहिए ना, लेकिन कुछ केसेस में टेंड्रिल्स या थोरन्स वगैरह बन जाते हैं, आपने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। तो ये था बच्चों सिंपल सा कि लीफ जो है वो कहाँ ओरिजिनेट होता है? स्टेम के नोड पर ओरिजिनेट होता है। लीफ के जो एक्सिल होती है उस पर एक एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि एक लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। एक बड़ा सा शेप साइज बनाते हैं लीफ का और फिर जानने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये मैं लीफ का एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब ये है एक लीफ, ठीक है। एक्चुअल में लीफ के तीन हिस्से होते हैं बच्चों। जिस पार्ट से लीफ अटैच है, ये वाला हिस्सा, इसको हम नाम देते हैं बच्चों लीफ बेस। इसको क्या बोलते हैं? लीफ बेस। यानी ये जो नीचे वाला हिस्सा ना जिससे लीफ अटैच है उसको क्या बोलते हैं? लीफ बेस बोलते हैं। ये जो आप डंडी सी देखते हो इसको हम बोलते हैं पिटियोल। क्या बोलते हैं? पिटियोल। भाई बच्चों ध्यान दो, आप ना धीरे धीरे जैसे जैसे इन टर्म्स को लेते जाएंगे नाम इनके, वैसे वैसे याद होते जाएंगे आपको। पत्ते की जो डंडी है उसको आप डंडी नहीं बोलोगे, अब क्या बोलोगे? पेटियोल बोलोगे। पिटियोल कह दो, पेटियोल कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये लीफ बेस है जहाँ से लीफ अटैच है, ये डंडी, इसको पिटियोल बोलते हैं। और ये जो आप पत्ता देखते हो, पत्ता, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं इसको? लैमिना, ठीक है। ये लीफ बेस, ये पिटियोल, और ये क्या है? ये है लैमिना। इसको कई बार लीफ ब्लेड भी कहा जाता है, लीफ ब्लेड भी कहा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखना। अब कुछ केस में क्या होता है, ये जो लीफ बेस है ना, कुछ केस में नहीं, बहुत ज्यादा केसेस में ये जो लीफ बेस है इसके अराउंड बहुत ही छोटे छोटे पत्ते से मिलते हैं आपको बच्चों। भी आप डिटेल में देखना, लीफ जहाँ से उगा हुआ है ना उसके एक यहाँ एक इधर साइड, जहां से उगा हुआ है, जैसे यहाँ ये लीफ उगा हुआ है तो इसके दोनों साइड देखना, छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट साइज के आपको पत्ते से दिखेंगे बच्चों। इनको बोला जाता है स्टिप्यूल्स। क्या बोला जाता है? स्टिप्यूल्स बोला जाता है बच्चों, STIPULES शायद, स्टिप्यूल्स, ठीक है। इनको स्टिप्यूल्स बोलते हैं जो छोटे छोटे लीफ लीफ बेस के पास होते हैं। अब जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं बच्चों, यानी दालों के जो प्लांट्स हैं, दाल है, चना है, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो ये लीफ बेस है ये थोड़ा सा स्वोलन होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है, उसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं पल्विनस। कई बार पेपर में आ जाता है पल्विनस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ये जो लीफ बेस है ना कई बार फूला हुआ होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? पल्विनस बोल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए, तो ये था भाई आपका पल्विनस हो गया, लीफ बेस भी हो गया। अब पिटियोल क्या है? देखिए बच्चों, पिटियोल वो डंडी है जिसके ऊपर ये लेमिना जो है ये लगी हुई है, देखिए ये। तो इस पिटियोल का काम क्या है बच्चों? ये जो लेमिना है ना इसको मतलब होल्ड करके रखती है ऐसे स्ट्रेट, ताकि उसके ऊपर सनलाइट अच्छे से गिरे, क्योंकि आपको पता है पत्ते को क्या करना है? पत्ते को खाना बनाना है, खाना बनाना है तो फोटोसिंथेसिस ही होगा ना, और फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो पिटियोल जो है वो पत्ते को ऐसे होल्ड करके रखती है स्ट्रेट, ये पिटियोल है ना, तो ये पत्ते को ऐसे होल्ड करके रखेगी ताकि इसके ऊपर सनलाइट अच्छे से पड़े, ठीक है बच्चों।
पेटियोल का यही काम है। अब ज्यादा डिटेल रह जाती है बच्चों लैमिना की। अब लैमिना में सारा काम होना है, फोटोसिंथेसिस वगैरह सब कुछ, ठीक है। जब आप देखोगे लैमिना में तो आपको एक बीच में ये डंडी दिखेगी बच्चों, ये है मिडरिब। क्या बोलते हैं इसको? मिडरिब बोलते हैं, ठीक है, मिडरिब। और इसके अराउंड छोटी छोटी ऐसे ये कुछ आपको नलियां सी दिखेंगी, पाइप सी दिखेंगी, इनको बोला जाता है वीन्स एंड वीनलेट्स। टेंथ में आप पढ़ के आए होंगे कि हमारे शरीर में भी वीन्स होती हैं, वैसे ही पत्ते में भी वीन्स होती है, वीन्स एंड वीनलेट्स। और क्यों होती है आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि रूट से लेकर के लीव्स तक जाइलम का और फ्लोएम का एक जाल बिछा होता है, खाने का और पानी का ट्रांसपोर्ट इन्हीं से ही होता है, ठीक है। तो ये वीन्स एंड वीनलेट्स है, ठीक है बच्चों, ये था इसके अंदर। और कुछ है इसमें? नहीं है। और कुछ इसमें नहीं है, काम फोटोसिंथेसिस का है, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है विनेशन, विनेशन का, ठीक है। हमने लीव्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है बच्चों अभी तक, कहाँ ओरिजिनेट है, स्टेम के नोड्स पे ओरिजिनेट होते हैं, तीन मैंने आपको इसके पार्ट बताए, लीफ बेस बताया, पिटियोल बताया, लैमिना बताया, ठीक है। लैमिना का ही सारा काम है, लैमिना ही सब कुछ हैंडल करती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है विनेशन। तो विनेशन एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, विनेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड विनलेट, वीन्स एंड विनलेट इन लैमिना ऑफ लीफ इज नोन एज विनेशन। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक पत्ते को ध्यान से देखिएगा, ये एक पत्ता है, ये एक पत्ता है। अब इसके अंदर है ना बहुत सारी ऐसे नलियां सी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी नलियां सी होती हैं ऐसे, इनको बोलते हैं वीन्स एंड वीनलेट्स। ये जो नलियां सी आपको दिखती है ना, इनको क्या बोलते हैं? पाइप सी दिखती है, उनको वीन्स एंड वीनलेट्स बोला जाता है। जो मेन वीन है, जो बीच में होती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा रिजिड होती है जो, उसको बोला जाता है मिडरिब। उसको क्या बोला जाता है? मिडरिब। बाकी वीन्स एंड वीनलेट्स हैं, बाकियों का नाम हमें याद नहीं रखना, जो बीच में उसको क्या बोलते हैं? मिडरिब बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो अब बच्चों वेनेशन जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। जो अरेंजमेंट है ना इनकी, आप अलग अलग पत्तों को देखना आपको पता चलेगा, ये जो वीन्स एंड वीनलेट्स की अरेंजमेंट है वो अलग अलग पत्तों में अलग अलग होती है। अब इस लिस्ट पे जो वेनेशन है बच्चों वो दो टाइप की होती है, ध्यान से देखिएगा अलग अलग पत्तों में अलग अलग कैसे होती है। जो वेनेशन है वो दो टाइप की है, एक वेनेशन होती है रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, एक होती है पैरेलल, ठीक है। एक वेनेशन का नाम क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन। दूसरी का क्या है? पैरेलल वेनेशन। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों रेटिकुलेट और पैरेलल में डिफरेंस क्या है, आपको एक पत्ता दिखाता हूं, देखिए ये कुछ पत्ता हुआ, पत्ते जैसा हुआ, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है बच्चों, ये क्या है? अब आप धीरे धीरे बोलने लग जाओगे मेरे साथ, ये क्या है बच्चों? मिडरिब है। ये क्या है? मिडरिब है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां से जो वीन्स है, अगर वीन्स एंड वीनलेट्स यहाँ से ओरिजिनेट होके और ऊपर तक जाती हैं और एक नेटवर्क सा बना लेती हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, अगर वीन्स एंड वीनलेट्स एक नेटवर्क सा बना देती हैं तो इस टाइप की वेनेशन को हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। क्या लिखोगे? When वीन्स एंड वीनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, ठीक है, एक नेटवर्क जैसा, एक जाल सा बिछा देती है, इसको क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। एग्जांपल बहुत सारे हैं, बेर के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है, आप देख लेना अच्छे से। उसके बाद आती है बात पैरेलल की। तो पैरेलल में क्या होता है बच्चों, बहुत बार ये तो आप कॉमनली ऑब्जर्व करते हो बहुत सारे पत्तों में। अब आप ये मत कहना कि सर ने पत्ता जो है वो ऐसा बनाया, ठीक है, वो ऐसा ही बनता है पत्ता, ठीक है। चलिए तो ये तो अभी रेटिकुलेट, यानी जब हमारी वीन्स एंड वीनलेट्स जो है वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं भाई। अच्छा पैरेलल में क्या होगा कि अगर, अच्छा ये क्या है भाई, ये क्या है, क्या है ये? मिडरिब। अच्छा अगर हमारी जो वीन्स एंड वीनलेट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती है, एक दूसरे के पैरेलल रन करती है तो इस टाइप की वेनेशन को क्या बोल देंगे भाई? क्या बोल देंगे? इसको बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। बहुत सिंपल है। यानी कि जब वीन्स एंड वीनलेट्स एक दूसरे के पैरेलल रन करती है, एक दूसरे के पैरेलल रन करती है तो इस टाइप की वेनेशन को हम क्या बोलते हैं भाई? पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। सिंपल है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये था भाई वेनेशन, आपका नेटवर्क जैसा बना रही है तो रेटिकुलेट कह दो, अगर पैरेलल बना रही है, एक दूसरे के पैरेलल चल रही है ऐसे, तो इसको पैरेलल वेनेशन कह दो, ठीक है।
अब मेनली जो डाइकोट प्लांट होते हैं ना, डाइकोट प्लांट, उनके अंदर मेनली यही पाई जाती है रेटिकुलेट, ये पाई जाती है रेटिकुलेट, ठीक है। और जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, मोनोकोट प्लांट, ठीक है, मोनोकोट, उनके अंदर ये टाइप के अरेंजमेंट ज्यादा पाए जाते हैं। डाइकोट प्लांट्स में ये पाई जाती है, मोनोकोट में ये पाई जाती है, आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये थी भाई वेनेशन। उसके बाद हम देखते हैं लीव्स के टाइप्स, कि भाई पत्तों के टाइप्स कैसे कैसे हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं पत्तों के टाइप्स। भाई लीफ दो टाइप के होते हैं मेनली। लीव्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कुछ लीव्स सिंपल लीव्स कहलाते हैं और कुछ लीव्स कंपाउंड लीव्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं सिंपल लीव्स कौन से और कंपाउंड लीव कौन से, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको मैंने शुरू शुरू में बता दिया था कि एक पत्ते के अंदर दो तीन चीजें होती हैं, ठीक है, लीफ बेस, पिटियोल एंड लैमिना। आप लैमिना पे गौर करिएगा, जो लैमिना है ना उस पे गौर करिएगा। अगर किसी पत्ते की लैमिना जो है वो एंटायर है, एंटायर का मतलब पूरी है, कहीं पे भी कोई कट नहीं है, यानी कि अगर किसी पत्ते की लैमिना जो है वो एंटायर है, उसमें कोई कट नहीं है, तो इस टाइप का लीफ क्या कहलाएगा बच्चों? सिंपल लीफ कहलाएगा, सिंपल लीफ कहलाएगा। आपने देखा होगा सारे लगभग पत्ते ऐसे ही मिलते हैं आपको, ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं। तो अगर आपके लीफ की जो लैमिना है वो एंटायर है, या उसमें जो इंसिजन यानी कि कट है वो ऐसे हैं कि वो मिडरिब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चों गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, या तो आपके पत्ते की लैमिना क्या है, एंटायर है, तब आप इसको सिंपल कहोगे, या इसमें कट है कहीं पे भी, इसमें मान के चलिए कट है पत्ते के अंदर, बहुत सारे कट हैं, लेकिन वो मिडरिब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए ध्यान से, कट तो है इसमें लेकिन मिडरिब तक नहीं पहुंच पा रहे, इस पत्ते को भी हम क्या बोलेंगे? सिंपल लीफ बोलेंगे, ठीक है। तो वो लीफ जिसकी लैमिना या तो एंटायर है या उसके अंदर जो इंसिजन है वो टच नहीं करते मिडरिब को, तो ऐसे लीव्स को हम सिंपल लीफ बोलेंगे, बहुत सारे इनके एग्जांपल है। लेकिन अगर लैमिना के अंदर जो इंसिजन है वो रिच पहुंच जाते हैं मिडरिब तक, अगर कट मिडरिब तक पहुंच जाते हैं और लीफ को तोड़ देते हैं छोटे छोटे लीफलेट्स के अंदर, ठीक है, ब्रेक इनटू स्मॉल लीफलेट्स, तो जो ये टाइप का आपका लीफ बनेगा इसको हम बोलेंगे कंपाउंड लीफ, ठीक है। बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। अगर आपके लीफ की लैमिना एंटायर है तो उसको हम सिंपल लीफ बोल देंगे, अगर उसके अंदर जो पत्ता है आपका, उसकी जो लैमिना उसमें इंसिजन यानी कट ऐसे हैं कि वो आपके मिडरिब तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, आपकी मिडरिब तक पहुंच रहे हैं, यानी कट ऐसे हैं जो आपकी मिडरिब तक पहुंच रहे हैं, तो आपके ना, अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपके कट जो है वो मिडरिब तक पहुंच रहे हैं तो वो आपके जो लीफ है उसको छोटे छोटे लीफ लेट्स में डिवाइड कर देगा। ध्यान दीजिए आप, ध्यान दीजिए, इधर देखिए आप बोर्ड की तरफ, अगर आपके लीफ की लैमिना एंटायर है ऐसे, कोई कट नहीं है इसमें, तो इसको बोलेंगे सिंपल लीफ, लेकिन अगर इसमें कट हैं और वो मिडरिब तक पहुंच रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, अगर वो कट हैं और वो मिडरिब तक पहुंच रहे हैं तो आपका जो पत्ता है ना वो ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे लीफलेट्स के अंदर। देखिए पहले कितना बड़ा पत्ता था लेकिन अब छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, कुछ ऐसे छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे इधर हो जाएगा छोटे छोटे लीफलेट्स के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे लीफलेट्स के अंदर। इस टाइप के लीफ को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ बोलेंगे। सिंपल है बच्चों, लैमिना एंटायर है तो सिंपल लीफ, और अगर हमारी लैमिना जो है वो कट हो जाती है या इंसिजन जो है वो मिडरिब तक पहुंच जाते हैं हमारे पत्ते के, हमारी लैमिना के, तो हमारा जो लीफ है वो छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड लीफ की फर्दर कुछ है क्लासिफिकेशन है वो भी देख लीजिए। अब कंपाउंड लीफ बच्चों होते हैं दो टाइप के, ठीक है, कंपाउंड लीफ जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है पिनेट कंपाउंड लीफ, ध्यान दीजिएगा, एक होता है पिनेट कंपाउंड लीफ। पहले इसको देख लेते हैं पिनेट कंपाउंड लीफ को। इसमें क्या है बच्चों कि अगर आपके जो लीफलेट्स हैं, अगर आपके लीफलेट्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं सेम एक्सिस पर अराइज होते हैं। अगर आपके लीफलेट्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम सेम एक्सिस से ओरिजिनेट, देख लो ये लीफलेट इसी से ओरिजिनेट हुआ है, ये लीफलेट इसी से ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि अगर आपके सभी के जो लीफलेट्स हैं वो सेम एक्सिस से ओरिजिनेट होते हैं तो इस टाइप का लीफ आपका क्या कहलाता है? पिनेट कंपाउंड लीफ कहलाता है। नीम के अंदर ये कॉमनली देखा जाता है बच्चों,
जो लीवलेट्स है ना वो सेम एक ही एक्सिस से ओरिजिनेटर हो रहे हैं, ठीक है, एक ही एक्सिस से ओरिजिनेटर हो रहे हैं। इस टाइप के लीफ को क्या बोलोगे आप? पिनेट कंपाउंड लीफ, ठीक है। और ये जो एक्सिस है ना इसको बोलते हैं रेकिस। क्या बोलते हैं? रेकिस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये रेकिस है। अगर लीफलेट छोटे छोटे जो है छोटे छोटे लीफलेट्स सेम एक्सिस से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये बीच की डंडी है, इसी से सारे जो लीफलेट्स हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इस टाइप के लीफ को क्या बोलेंगे? पिनेट कंपाउंड लीफ बोल देंगे, ठीक है। नीम के अंदर कॉमनली पाया जाता है। लेकिन अगर आपके जो लीफलेट्स हैं वो पिटियोल के टिप पर ही पाए जाएं, ये पिटियोल है और सारे लीफलेट्स जो है वो अगर यहाँ बस इस टिप पे ही पाए जाएं, तो इस टाइप का लीफ जो है वो आपका कहलाता है पाल्मेट कंपाउंड लीफ। पाल्मेट कंपाउंड लीफ बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, कुछ नहीं इसमें। अगर सारे लीफलेट एक ही डंडी से ओरिजिनेट होते हैं, एक ही डंडी से ओरिजिनेट होते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है, एक ही डंडी से अगर सारे लीफलेट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इस टाइप का जो लीफ कहलाएगा हमारा वो कहलाएगा पिनेट कंपाउंड लीफ। लेकिन अगर आपके जो सारे लीफलेट्स हैं वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से सारे लीफलेट ओरिजिनेट हो रहे हैं, और वो भी कौन सा पॉइंट है? पिटियोल की टिप। ये क्या है? पिटियोल है। तो इसकी टिप से अगर ओरिजिनेट हो रहे हैं सारे लीफलेट, तो इस टाइप का लीफ आपका क्या कहलाएगा? पाल्मेट कंपाउंड लीफ कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल सा था हमारा ये आज का लेक्चर, कुछ नहीं पढ़ा हमने इसमें, बहुत ही थोड़ा सा पढ़ा लीफ के बारे में, ठीक है। और लीफ यहाँ तक कंप्लीट नहीं होता है, एक लेक्चर और लगेगा इसमें लीफ के अंदर, और धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर को भी करते जाएंगे, ठीक है बच्चों। अच्छे से पढ़िए, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था आपको, ठीक है, वैसे ही इस बार भी अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लेक्चर देखिए, बुक से अपनी नोट्स प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।